शांति आज एक जनवरी 2024 है नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत दिल से बधाइया आपके लिए वर्ष खुशियों भरा उमंग से भरा तीव्र पुरुषार्थ वाला हो आप कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलते हुए सदा प्रसन्न रहें। श्रीमत की लकीर के अंदर रहें, जनवरी मास आप विशेष तपस्या करें ब्रह्मा बाप समान बने ब्रह्मा बाप समान कदम पर कदम रख चलने से हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे रोज पंद्रह मिनट एकांत एक में अवश्य बैठेंगे बाबा से मुलाकात करेंगे बाबा आप मुझे कैसा देखना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा ही करना है ये पंद्रह मिनट की मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात बन जाए 2024 में हम अपनी पूरी दिनचर्या पर पूरा ध्यान देंगे सभी बातों का चार्ट रखेंगे बाबा को रोज पत्र लिखेंगे कभी भी अपने आप से निराश नहीं होंगे कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है आज 2024 हजार चौबीस की आज पहली मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर देवी मैनर्स सिखाए हैं धारणा की बातें सिखाई हैं। जिसमें मुख्य रूप से बाबा ने कहा आपको उत्तम पुरुष बनना है तो कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं हो सकता आपस में भी कोई बात हो जाती है तो भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है बहुत बहुत मीठा बनना है कभी किसी को दुख नहीं देना आप राजऋषि हो ऋषि पवित्र को कहा जाता है आप राजाई पाने के लिए योग सीख रहे हो अच्छी रीति बाबा से योग लगाना है अपने बुद्धि योग को भटकाओ मत। अगर बुद्धि भटकती रहेगी, रहेगीने पर नहीं होगी तो बाबा की शक्तियां कैसे मिल सकती हैं बाबा सिंपल बात कहते हैं अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे ये साईं का घर है यहां से कोई खाली ना जाए दो अक्षर भी किसी को आप सुनाएंगे तो वो आत्मा स्वर्ग में अवश्य आ जाएगी इसलिए किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना है पुरुषार्थ में कभी पक्के कभी कच्चे रहते हैं आज कच्चे हैं कल पक्के हो जाएंगे बाबा ने कैसे उम्मीदवार बनना है और अपना चार्ट रखना है नब्ज देखनी है मैं कहाँ तक लायक बना हूं फिर से हम एकाग्र होकर इस वर्ष में अपने आप को खुद बधाई देंगे बाबा की बधाइयां लेंगे और पूरी मुरली को एकाग्रता एक के साथ सुनेंगे मुरली का सार है बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम ऋषि हो तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है साथ साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं तुम राज ऋषि हो तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है साथ साथ देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं क्वेश्चन है उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है किस बात पे बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तम पुरुष बनने का क्या है? किस बात पे बहुत अटेंशन चाहिए उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूचना नहीं पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का तैलुक नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब इसलिए सदा उन्नति का ख्याल रहे चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए देवताओं जैसा मीठा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए बहुत बहुत मीठा बनना है मुख से ऐसे बोल निकले जो सभी को मीठे लगे किसी को भी दुख ना हो उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रुचना नहीं पढ़ाई से लड़ाई झगड़े का तेलुक नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल करते रहो चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए बहुत बहुत मीठा बनना है मुख से ऐसे बोल निकले जो सभी को मीठे लगे किसी को दुख ना हो ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते और पूछते हैं आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है कभी कहाँ कभी कहाँ बाबा समझाते तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ बेहद के बाप को याद करो ये तो रूहानी बच्चे जानते अब सारी पुरानी दुनिया तमो प्रधान है आत्मा ही सतो प्रधान थी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अब तमो प्रधान बनी है फिर बाबा कहते सतो प्रधान बनना है इसलिए अपनी बुद्धि बाबा के साथ लगाओ अब वापस जाना है और किसी को पता नहीं कि हमें वापस घर जाना है कोई भी बात नहीं जानते अब वापस घर जाना है और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझे याद करो कितनी सहज बात बाबा समझाते सिर्फ बाबा को याद करो तो तुम्हारे कर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा ना सके बाबा ही समझाते हैं जिसमें प्रवेश किया वो भी सुनते हैं पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाबा देते हैं बाबा कहते बच्चे तुम तुम ही ही प्रधान थे, फिर बनना है। आदि स्नातन देवी देवता धर्म के थे फिर चौरासी जन्म भोग कोड़ी मिसल बन गए तुम हीरे मिसल थे तुम्हें फिर बनना है बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते अपने को आत्मा समझो आत्माओं को ही वापिस जाना है शरीर तो नहीं जाएगा बाबा के पास खुशी से जाना है बाबा जो श्रीमत देते हैं उससे तुम श्रेष्ठ बनेंगे पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी ये तो निश्चय है ना तो फिर वही तात लगी रही दैवी गुण धारण करने हैं बहुत फायदा होगा दैवी गुणों को धारण करेंगे बहुत फायदा होगा स्टूडेंट जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वो उच्च पद पाते हैं ये भी पढ़ाई है तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं जो टाइम पास हुआ वो ड्रामा ड्रामा अनुसार बाप की बच्चों की एक्ट चली बाबा राय तो ठीक देते हैं ना बाबा कहते बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं सभी बच्चे बाबा को बात कहते बाबा क्या करें हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं यही तो माया के तूफान है माया दीवा बुझा देती है बाप को क्षमा भी कहते हैं सर्वशक्तिवान अथॉरिटी भी कहते हैं जो भी वेद शास्त्र हैं, सबका सार बताते वो नॉलेजफुल है सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते बाबा कहेंगे मैं तुम बच्चों को समझाता हूं उसमें ब्रह्मा भी आ जाता मूझने की बात ही नहीं यह बहुत सहज राजयोग तुम ऋषि राज हो ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता तुम्हारे जैसा ऋषि कोई हो ना सके आत्मा को ही ऋषि कहा जाता शरीर को नहीं कहेंगे आत्मा है ऋषि राजऋषि राज्य कहाँ से लेते हैं बाप से लेते हैं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए हम शिव बाबा से राज भाग ले रहे हैं बाबा ने स्मृति दिलाई तुम विश्व के मालिक थे फिर लेते, लेते लेते नीचे उतरते आए देवताओं के चित्र भी हैं मनुष्य समझते ये ज्योति ज्योत समा गए बाबा ने समझाया एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन कौन सेकंड के लिए कागर हो जाएंगे पढ़ाई पढ़ाने वाला नॉलेजफुल प्यार सागर सुख सागर शिव बाबा है देखेंगे उनको बाबा ने कहा देखो पढ़ाने वाला कौन श्री कृष्ण को कृष्णा भी कहते हैं भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे उनको गॉड फादर ही कहते हैं वह हेवनली गॉड फादर तुम्हें अब दिल से लगता है वही हेमली गॉड फादर देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं सत्युग में दूसरा कोई धर्म था नहीं चित्रबिन देवताओं के हैं उनको आदि सनातन देवी देवता कहा जाता ये विश्व के मालिक थे उनको कहेंगे सतयुगी तुम हो संगमयुगी जानते हो बाबा हमें राइटियस बनाते हैं तुम राइटियस बनते जाते हो विकारों को अनराइटियस कहा जाता ये देवताएं पवित्र हैं लाइट भी पवित्रता की दिखाई है अनराइटियस माना एक भी कदम राइटेस नहीं माना एक भी कदम राइट नहीं शिवालय से उतर वैशालय में आ जाते ये बातें नया कोई समझ ना सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से ना दो वो हेमली गॉड फादर हैविन और हेल दोनों अक्षर हैं सुख और दुख स्वर्ग और नर्क तुम जानते हो भारत में सुख था अभी दुख है फिर बाबा आकर सुख देते अब दुख का समय खत्म होना है बाबा बच्चों के लिए सुख की सोगात लाते हैं सबको सुख देते हैं तभी तो सब उनकी बंदगी करते हैं सन्यासी उदासी भी तपस्या करते उनको कोई ना कोई आज जरूर रहती सत्यु में ऐसी कोई बात नहीं वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए जानते वो है सुख वो है धाम वह है शांति धाम यह है दुख धाम तीनों धाम स्पष्ट है मूल वतन को कहते हैं शांति धाम स्वर्ग को सुख धाम और यह है दुख धाम तुम अब संगम पर हो उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है पढ़ाई से कभी रुचना नहीं कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का तैलुक नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे फिर सतोप्रधान से तमोप्रधान धीरे धीरे बन जाते हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना है बाबा कहते हे आत्माए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और गुण धारण करो अगर नारायण जैसा बनना है तो बाबा ने उनको ऐसा बनाया बाबा कहते तुम ही राज्य करते थे फिर तुमको बनना है राजयोग बाप संगम पे सिखाते तुम कल्प कल्प बनते हो ऐसे नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा कलियुग के बाद सतयुग ये चक्र फिरता है जरूर सतयुग में मनुष्य कम थे फिर जरूर कम होने चाहिए ये तो सहज समझने की बातें हैं बीती हुई कहानी सुनाते हैं छोटी सी कहानी है वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है चौरासी जन्मों का राज है तुम्हें भी पहले मालूम नहीं था अब तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं यह संगम युग की पढ़ाई अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा इस पुरानी सृष्टि को बदलना है कलयुग जंगल का विनाश होगा सतयुगी फूलों का बगीचा होगा फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता कांटा आसुरी अवगुण वाले को अपने को देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं अपने से ही बात करें देखें मेरे में कोई अवगुण तो नहीं अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण धारण करने हैं बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो करेक्टर जरूर सुधारना पड़े मनुष्य कहते सबके करेक्टर खराब है लेकिन अच्छा करेक्टर किसको कहा जाता ये वो नहीं जानते तुम समझा सकते हो देवताओं के करेक्टर अच्छे थे ना ये कभी किसी को दुख नहीं देते थे देवी देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते थे कोई की चलन अच्छी होती कहते ये तो जैसे देवी है इनके बोल कितने मीठे हैं बाबा कहते तुम्हें देवता बनना है तो तुम्हें बहुत मीठा बनना पड़े देवी गुण धारण करने हैं जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे तुम सबको टीचर बनना है टीचर के बच्चे टीचर तुम पांडव सेना हो पंडो का काम है सबको रास्ता बताना धारण करने घर घरग्रस्त में रहना है घर में भी सर्विस कर सकते हो जो परिवार में रहते उनके लिए खुशखबरी कि सेवा का कितना अच्छा चांस है। जो आएंगे टीच करते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल वो तो किस सर्विस करते हैं ऐसे नहीं कि यहाँ के बैठना है कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है मास दो चक्र लगाया फिर गई घर घर का संन्यास तो नहीं करना तुम्हें घर से बुलावा आता है तो जाते हो तुम्हें कोई मना नहीं की जाती इसमें कोई घाटे की बात नहीं कमी की बात नहीं और भी उमंग आएगा हम भी अभी होशियार हुए घर वालों को भी आप सामान बनाकर साथ ले जाएंगे ऐसे बहुत हैं तो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं बाबा मुख्य बात समझाते अपने को आत्मा समझो मुझ बाप को याद करो मुख्य बात अपने को आत्मा समझो मुझ बाप को याद करो अपनी उन्नति करनी है घर में रहने वालों की यहां रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है जो घर में रहते हैं यहाँ वालों से भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं बाबा ने कहा तुम्हें कोई मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ उनका भी कल्याण करना है जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती वो रह नहीं सकते ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेजती नहीं कर सकते योग नहीं है तो माया थप्पड़ मारती है तो घर गर ग्रस्त में रह कमल फूल समान पवित्र बनना है बाबा तो फ्रीडम देते भले घर में भी रहो सब यहां आकर कैसे रहेंगे जितने आते हैं उनके लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते कल्प पहले जो कुछ हुआ वो रिपीट होता रहेगा बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं ये जो लड़ाइयां आदि लगती हैं इतने मनुष्य आदि मरते हैं सब ड्रामा में नूंद है जो पास्ट हुआ फिर रिपीट होगा जो कल्प कल्प समझाया वही अब भी समझाऊंगा मनुष्य भले क्या भी विचार करें मैं तो वही पार्ट बचाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है ड्रामा में कम जाती हो नहीं सकता जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे पांच वर्ष पहले जिन्होंने पढ़ाई की थी वही अब भी करेंगे हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है ये क्या पढ़ते हैं क्या पद पाएंगे अच्छी सर्विस करते हैं समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे बहुत सुखी रहेंगे जितना सुख बहुतों को दिया उतना उनको भी मिलेगा ये कमाई कभी जाती नहीं है जो की हुई कमाई है ये कभी जाती नहीं सत्युग में जहां जीत वहां जन्म होगा बहुतों को सुख दिया तो गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा उससे कम तो सिल्वर उससे कम तो पीतल का मिलेगा समझ में तो आता है ना, कितना हमारा योग है राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे मधुबन दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं आत्मा को मालूम है हम कहां तक सर्विस कर रहे हैं अगर अब शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे अब तुम पढ़कर सुधर रहे हो कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं बाबा तो कितना ऊंच बनाते साईं के घर से कोई भी खाली ना जाए अभी साईं तुम्हारे समुख है कोई को दो अक्षर भी सुनाओ वो भी प्रजा में आएंगे जरूर देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास बाबा ज्ञान सागर है बताते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं ये कितने मार्क्स से पास होंगे हर एक खुद भी जानते हैं कोई दैवी गुण में कच्चे हैं कोई योग में कच्चे हैं कोई ज्ञान में कच्चे होने से नापास हो जाएंगे ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते गैलप करते रहेंगे खुद भी फील करते हैं हम जहां से फेल हो जाते हैं फलाने हमसे होशियार हैं सीख कर होशियार भी हो सकते हैं अगर दे अभिमान होगा तो क्या सीख सकेंगे मैं आत्मा हूं ये तो एकदम पक्का कर लो मैं आत्मा हूं ये बात तो पक्की कर लो बाबा ने स्मृति दिलाई बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे फिर देवी गुण धारण होंगे अपनी नब्ज देखो मैं कहाँ तक लायक बना हूं तो मैं भी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान ले रहे हूँ ये राजयुग के नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखा ना सके बच्चे सीखते जाते बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं ये पूरा कैसे पता पड़े अब तक ब्राह्मण कितने बने हैं कैसे पता चले आते जाते रहते हैं अभी नए नए भी निकलते रहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए सार अपना दैविक कैरेक्टर बनाना है दैविक गुण धारण कर अपना और सबका कल्याण करना है सबको सुख देना है सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है बुद्धि को भटकाना नहीं है सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है बुद्धि को भटकाना नहीं है बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भाव जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी कोई को धर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी कोई से क्या कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी कोई से क्या कोई से क्या शक्ति की फीलिंग आएगी सरल शब्दों में चलते फिरते हमें फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है और इन अस्त्र शक्तियों को अपनी संकल्प शक्ति से अन्य आत्माओं को सहयोग रूप में देते जाना है स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसका हर कर्म सबको प्रेरणा देने वाला हो प्रत्यक्ष प्रमाण वो जिसका हर कर्म सबको प्रेरणा देने वाला है चलते फिरते अभ्यास करेंगे मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं फरिश्ते प्रकाश की काया में होते हैं डबल लाइट होते हैं बंधनों से मुक्त होते हैं सर्व का सहयोगी होता है सबको देने वाले अष्ट शक्तियों की सभी को आवश्यकता है चाहे निर्णय शक्ति हो चाहे परक शक्ति हो चाहे सहन शक्ति हो बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाए देते जाए मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं सुख देने वाला फरिश्ता हूं दुआओं का फरिश्ता हूं शुक्रिया बाबा शुक्रिया Oh, um, shine.